इकट्ठे होंगे क्योंकि लोगों ने अपने आप तालाब बनाए थे, रचना की थी, और जब लोग रचना का काम खुद करते हैं तो वो अच्छे काम के लिए जल्दी संगठित भी हो जाते हैं। यदि वो खुद काम ना किए होते तो संगठित नहीं होते, और इन लोगों ने संगठित होके अपने को जितने भी नदियों के मछलियों के ठेके थे वो सारे रद्द करवा दिए, और केवल रद्द करवा दिए, उतने पे काम खत्म नहीं किया, इन्होंने अपनी अरवरी रिवर पार्लियामेंट बना ली। इस पार्लियामेंट की हिस्ट्री केवल 17 साल पुरानी है, ज्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इस पार्लियामेंट में जो डिसीजन होते हैं वो दिल्ली की पार्लियामेंट से बिल्कुल अलग है। दिल्ली की पार्लियामेंट में जो होता है वो तो आप जानते हैं, लेकिन इस पार्लियामेंट में जो होता है वो मैं बताता हूं। ये लोग जो तय करते हैं उसको हमारी गांव की जल सभाएं और ग्राम सभाएं एग्जीक्यूट करती हैं, मिलके करती हैं, और आज तक इस पार्लियामेंट के लिए हुए निर्णय कोई भी ऐसे नहीं है जो एग्जीक्यूट ना हुए। इसके पास ना आर्मी है, ना पुलिस है, ना कोई ताकत है, ना कोई बाहर का कोई बल है, लेकिन इनके पास, जैसा अनुपम भाई कह रहे थे, अपना एक अनुशासन का बल है। इसलिए उस अनुशासन के बल से इनको कैसी खेती करनी, कैसी खेती करनी, कैसी नहीं करनी, वो इस पार्लियामेंट के ये केवल 11 एस्पेक्ट है। ये जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, नियम बनाते हैं, वो खेती के लिए, वो पानी के लिए, वो पशुओं के लिए, वो जीव जंतु के लिए, बस उसी को बनाते हैं और उसकी पालना करते हैं। ये कोई ऐसे कानून तो बनाते नहीं कि एमपी की तनख्वाह 40,000 से बढ़ के 1,00,000 रुपए महीना हो जाए। इनकी कोई तनख्वाह बढ़ाने के रूल रेगुलेशन तो है नहीं। इनको कोई किराया भाड़ा भी नहीं मिलता कि ये पार्लियामेंट में आते हैं तो इनको कोई किराया भाड़ा मिले, कोई रिसीव करने जाए। ये लोग अपना पैसा खर्च करके हर साल जून के महीने में और दिसंबर के महीने में 3-4 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, नहीं तो मिनिमम 4 दिन के लिए तो हर साल, साल में 2 बार मिलते हैं, और 2 बार मिल बैठ के जो भी इनके आपसी थोड़े बहुत टसल, थोड़ी बहुत कुछ कोई छोटा मोटा अंदर का विवाद या कुछ छोटे मोटे अंदर के काम, उन सबको सुलझा लेते हैं और लागू कर लेते हैं। 17 साल से ये विधिवत चल रही है, लेकिन एक खुशखबरी इसमें यह है कि इसमें अब औरतों की संख्या बढ़ रही है। पहले जब ये शुरू हुआ तब इसमें औरतें बहुत कम थी, अभी इसमें औरतें ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि औरतें ज्यादा इसको समझ के ज्यादा अच्छे से इसमें योगदान देती हैं। नेक्स्ट, बस मैं आखिर में इस लड़के से मिलाना चाहता हूं। ये होली और दिवाली पर नहाता था, अभी इसके गांव में खूब पानी हो गया, रोज नहाता है। तो भाई यदि खुशी बांटनी हो और खुशियां समझनी हो पानी की, आने पानी आने से जो खुशियां आती हैं, तो वो इसके साथ बात करके आपको ज्यादा समझ में आएगी, बंबई के इस रचना बिल्डिंग के हॉल में बैठ के बात करने से समझ में नहीं आएगी। ये तो इसके पास जाके समझ में आएगी कि जब जिंदगी में पानी आता है तो खुशियां कैसी आती हैं और आनंद कैसे आता है और ताकत कैसे आता है। कभी जब आपका आना होगा तो इससे मैं आपको जरूर मिला दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।